जर्नलिज्म का जनाजा निकालना कोई जम्मू कश्मीर के सहाफियों से सीखे। जम्मू कश्मीर के कुछ नामियाद सहाफी जर्नलिज्म का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पबजी खेलते हुई डॉक्टर अपने पेशेंट को इग्नोर कर रही है और उसके पबजी खेलने के लिए उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो वीडियो जो है आप सब ने देखा होगा, वीडियो को बहुत अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स शेयर कर रहे हैं। मेरी किसी के साथ पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक और एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको सहाफ़त करनी है तो कम से कम फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, थोड़ा जानिए, पता कीजिए कि क्या हो रहा है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो आप पब्लिश कर रहे हैं, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, एटलीस्ट उसको थोड़ा वेरीफाई कर दीजिए। देखो मेरी स्क्रीन पे वो वीडियो चल रही है, मेरी स्क्रीन पे आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। इसी वीडियो में यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो एडिटेड है और इस वीडियो को किसी ने जानबूझकर इस तरह से प्रेजेंट किया है कि ऐसा लगे कि डॉक्टर्स ऐसा कुछ कर रही हैं। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ है, जिसने भी इस वीडियो को बनाया है वो बिल्कुल नाकाम ठहरा है। अफसोस की बात यह है कि उन जर्नलिस्ट को भी ये नज़र नहीं आता कि ये सरासर बेवकूफ़ी है इसके ऊपर न्यूज़ पब्लिश करना और इस तरह की न्यूज़ दिखाना। अब वो कैसे, वो आपको बता देता हूँ। वीडियो मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, वीडियो में आपको शुरू से, जब वीडियो शुरू होता है तो वीडियो शुरू होने के बाद से लेकर आप जब पहले 15 सेकेंड वीडियो को देखते हैं तो 15 सेकेंड इस कमरे में कोई नहीं होता। एक डॉक्टर आपको पबजी खेलती हुई नज़र आती है और दूसरी तरफ दूसरे डॉक्टर फ़ोन पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो साफ दिखता नहीं है। लेकिन ये फीमेल डॉक्टर जो है पबजी खेलती हुई जरूर नजर आती है। लेकिन 15 सेकंड के बाद 16वें सेकंड पर इस वीडियो के अंदर अचानक से एक औरत नमूदार हो जाती है, एक उनके बिल्कुल उनके बीचों बीच दूसरी तरफ। जो औरत 15 सेकंड तक कहीं नहीं थी, जिसका 15 सेकंड तक जिसका आना जाना कोई पता नहीं, अचानक से, यानी वीडियो काटी गई है उसके बाद इस औरत को यहां पर जोड़ दिया गया है, अचानक से नमूदार हो गई। अब उसके बाद इस वीडियो को जो है वो वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा होता है, वो बाकी सब लोगों को दिखा रहा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो शख्स वहाँ पर दूसरी तरफ बैठा होता है, मेल जो डॉक्टर है, वो उस लेडी का बीपी चेक कर रहा होता है। उसको बीपी का वो अपरेटस लगाते हुए भी, उसको जो वो बीपी का जो बेल्ट है वो लगाते हुए भी नहीं दिखाया गया। अब वो आपको बेल्ट लगी हुई औरत अचानक से दिख गई, इसका मतलब है कि वीडियो में एडिटिंग हुई। अब वो जब आपको दिखता है तो उसके बाद ये साफ हो जाता है कि ट्रीटमेंट वो कर रहा है, ट्रीटमेंट वो कर रहा है इस जो इस तरफ बैठी पबजी खेलती डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अचानक से वो औरत को जो है आप गायब होता देखते हैं, और गायब होता किस तरह से देखते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से उठाती है या अपने वो पर्ची जो रिकमेंडेशंस डॉक्टर की जो होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो उठाता हुआ हाथ उसका दिखता है और वो हाथ गायब हो जाता है। इतनी स्टोरी, ना ही उसका वो बेल्ट जो अपरेटस होता है, जो बीपी अपरेटस है, उसका बेल्ट खोलता हुआ आपको डॉक्टर नज़र आता है और ना ही उसको आपको अपरेटस निकालता हुआ या उसको जो है वो पर्ची पे कुछ लिखता हुआ दिखाई देता है, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। अचानक से एक हाथ आता है और वो गायब हो जाता है। वीडियो में सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ है, लेकिन आपको देखने वाली आंख चाहिए। पब्लिक तो गुमराह है, गुमराह की जाती है, लेकिन ये जर्नलिस्ट भी इतने गुमराह है। और दूसरी बात, अगर कोई पबजी खेल रहा है क्या, जब आप अपने सहाफत के दौरान कुछ और काम करते हैं, लंच ब्रेक ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा अपने आपको जो है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं क्या? मतलब आप अननेसेसरी किसी को ट्रबल नहीं कर सकते, आप अननेसेसरी किसी को पकड़ नहीं सकते। इस तरह की जो आप ये खबरें उठा के कहीं से भी कहीं चेप देते हैं ना, कम से कम सोचा कीजिए। आपके वीडियो में सरासर जो है वो झूठ नज़र आता है कि आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर वो ट्रीट कर रहा है, अगर वो अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं तो यकीनन वो कुछ काम की चीज़ देख रहे होंगे। क्रॉस चेक करते हैं लोग, डॉक्टर्स करते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, और आप जो है इस महिला की सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। हैरानकुन बात है, और ये सरासर एक, मैं तरह से कहूँगा कि जर्नलिज्म का जनाजा निकाला जा रहा है। और इस पर जो है थोड़ा सा आपको सोच विचार करना चाहिए कि इस तरह की खबरें लोगों के बीच पब्लिश करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। व्यूज़ ठीक है, आप जिम्मेदारी तो लें, आप अगर इस सहाफत में हैं तो एक जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना सोचे समझे पब्लिश किया गया है। इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उस लेडी ने या उस फीमेल ने, उस ट्रेनी ने उसको डॉक्टर, उस पेशेंट को इग्नोर किया, किसी भी तरह से उसको इग्नोर किया। कहीं भी कुछ ज़रा सी भी ऐसी बात नज़र नहीं आती कि उसने इसको इग्नोर किया। लेकिन आपने बात का पतंगड़ बनाना था सो आपने बना दिया, तो अब जो है मुझे यकीन है कि साबित भी कुछ होना नहीं है। और कम से कम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूर चाहिए ताकि लोगों में ये चीज़ें जाएँ कि आप अननेसेसरी जो है इन रूमर्स को जो है फॉलो ना करें, इनमें ना पड़ें।
ये सरासर एक एडिटेड वीडियो है और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए कोई गैर जिम्मेदारी वाली हरकत महसूस हो, वो बिल्कुल अपने जगह पर सही है। ये लोग जो इनको गलत ठहराना चाहते हैं, इनको अपनी गलतियों को समझना ज़रूरी है।